वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप लोग बता दूँ, एमपी शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी अभी आप लोग बता दें, नया अपडेट आया है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें तीन न्यू अपडेट हैं जिनको आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे बड़ी न्यूज़ है और सबसे बड़ी गलती जो हुई है शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, ये हुई है कि नियुक्ति में सबसे बड़ी गलती कर दी गई है। वो गलती क्या है, इस वीडियो को लास्ट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानते हैं कि आप लोग की भर्तियाँ और कहाँ कहाँ पर होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, तीन न्यूज़ के बारे में बताऊँ, तीनों न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों न्यूज़ को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट आप लोग की भर्ती से रिलेटेड, चाहे आप लोग नया अपडेट आता है, चाहे आप लोग की शिक्षक भर्ती से ज्वाइनिंग से रिलेटेड होता है या कुछ और व्यापम के द्वारा अपडेट किया जाता है, तो आप लोग को सबसे पहले इस चैनल पर बता दिया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो कोई भी जानकारी आप लोग को शिक्षक विभाग से रिलेटेड नहीं छूट पाएगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आप लोग उससे जो गलती से पहले कि जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, ये आप लोग की जो डेढ़ साल में मध्य प्रदेश से 26,000 पद जो भरने वाले थे, फिर भी स्कूल में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 8,300 स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे हैं। 8,307 ऐसे स्कूल हैं मध्य प्रदेश में जो सिंगल टीचर उस स्कूल को चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, ये एक रिसर्च में सामने आया है, इसमें रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें 8,307 ऐसे अभी भी स्कूल हैं जो केवल एक टीचर वहां पर अवेलेबल हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है, ये रिपोर्ट में सामने आया था। हम लोग इसमें सबसे बड़ी न्यूज़ थी, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था कि कितने टीचर आप लोग यहां पर भर्ती की ज़रूरत है। तो आप लोग समझ सकते हैं, अभी 8,307 स्कूल हैं जिसमें सिंगल टीचर है, अवेलेबल है, उसमें टीचरों की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि प्रदेश के मिडिल स्कूलों को जल्द ही मिलेंगे 8,720 नए शिक्षक, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है, रूल बुक है, 2023 के लिए जारी कर दी गई है, ठीक है। पात्रता परीक्षा 2023 की वर्ग दो की नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मिडिल स्कूल के शीघ्र 8,720 पद भरे जाएंगे। ये माध्यमिक शिक्षा वर्ग दो के पात्रता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। वो कितने विषयों पर हो, कितने सब्जेक्ट में होगा, 16 विषयों पर सब चयन किया जाए, कितने 16 विषयों पर इनमें से चयन किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, आप लोग जोरदार लग जाइए, क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होता, अच्छे नंबर भी लाइए तो आप लोग बिना वेटिंग के डायरेक्ट सिलेक्शन ले सकते हैं। और आप लोग की फॉर्म भरने की डेट आप लोग बता दूँ, 18 मई से आप लोग का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग 1 जून तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। और 6 जून तक आप लोग इसको, कोई गलतियां हो, त्रुटि हुई है आप लोग फॉर्म में, तो वो लोग भी आप लोग सुधार सकते हैं। सबसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। कितने पद हैं, 8,720 पद हैं जो 16 सब्जेक्ट पर होंगे। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, वहाँ पर नोटिफिकेशन शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दे दी गई है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, 18 मई से 1 जून तक आप लोग का फॉर्म फिल किया जाएगा। जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, जो जिसमें गलतियां स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा हुई है कि जिसमें गलत उसमें आप लोग की नियुक्ति दे दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा UR कैटेगरी जो जनरल UR कैटेगरी होता है उसमें EWS कैटेगरी में उनको नियुक्ति दी गई है। जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको EWS में नियुक्ति दे दी गई है, सबसे बड़ी गलती है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक भर्ती नियुक्त UR कैटेगरी वालों को EWS में नियुक्ति दे दी गई है, स्कूल शिक्षा विभाग की गलती है। अब इसमें इस पर कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। अब देखो, बैठक में जो भी नियुक्त ली जाएगी, 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको UR से डायरेक्ट EWS में, यानी जो 10% का छूट मिलता है उसमें इनको नियुक्ति दे दी गई है। ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आप लोग इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। कुछ डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, कुछ सवाल भी पूछना तो भी कमेंट कीजिए, आप लोग को रिप्लाई जरूर कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।